नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल के लोग दीदी कहकर संबोधित करते हैं। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद, मोदी मैजिक के बावजूद पश्चिम बंगाल की कमान अपने हाथ में रखने वाली ममता बनर्जी जब रैलियों में खड़े होकर दहाड़ती हैं तो उनकी दहाड़ बीजेपी नेताओं के पसीने छुड़ा देती है। ये ममता बनर्जी का मैजिक ही है कि जब यूपी में इलेक्शन होते हैं तो ममता दीदी को अखिलेश यादव दिल से याद करते हैं। ममता बनर्जी का जो पहनावा है, जिस हिसाब से वो अपने आप को रखती हैं, रबड़ वाली चप्पल, सफेद साड़ी और सादगी उन्हें तमाम महिला नेताओं से अलग बनाती है। एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी की सादगी उनकी पहचान और सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल आपके जहन में भी उठता होगा कि आखिर वो इतनी ज्यादा सादगी के साथ रहती क्यों हैं? सवाल आपके जहन में भी उठता होगा कि आखिर दीदी हमेशा ये सफेद साड़ी पहनती क्यों हैं? आज हम आपको ममता बनर्जी की ये सफेद साड़ी और रबड़ वाली चप्पल के पीछे की पूरी कहानी सुनाएंगे। आपको बता दें, आज जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक वक्त ऐसा था जब पिता का साया सर से उठ चुका था और ममता बनर्जी का घर परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आर्थिक तंगी के साथ ही दीदी का बचपन बीता है और उनकी सादगी, इस सफेद साड़ी के तार भी उस आर्थिक तंगी वाली दौर के साथ ही जुड़े हैं। तो चलिए, ममता दीदी की इस सादगी के पीछे की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पार्टी की छवि को मजबूत करने में सबसे ज्यादा भूमिका हमेशा अदा करती हैं। दीदी को राजनीति के जानकार साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको ममता बनर्जी की सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और सादगी के बारे में कुछ खास जानकारियां देंगे। रंगीन किनारी वाली सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जनता दीदी कहती है। ममता बनर्जी की रैलियों में सबसे तेज और सधे कदमों से चलती हुई बेहद आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और मजबूत इरादों वाली एक महिला नजर आती है। ममता बनर्जी की सादगी भरी ये छवि उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। अपनी सादगी के चलते वो बंगाल के दिलों पर राज करती हैं। फैशन डिजाइनर श्रुति संचेती ममता बनर्जी की साड़ी को लेकर बताती हैं कि भारतीय महिलाएं साड़ी में बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखती हैं। बात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या फिर दफ्तर की किसी मीटिंग की, वर्किंग महिलाएं साड़ी पसंद करती हैं क्योंकि साड़ी उन्हें सबसे खूबसूरत बनाती है। ममता बनर्जी की साड़ी की बात करें तो बंगाल में महिलाओं को देवी माना जाता है। राजनीति में ममता बनर्जी का करीब 40 साल से ज्यादा समय से बोलबाला है। जनता दीदी के तौर पर उनका बहुत सम्मान करती है। लोग अपने मन में भगवान की तरह उनकी एक छवि बना चुके हैं जिसे लोग बार बार बदलना नहीं चाहते। लोग भगवान को एक रूप में याद करते हैं। ममता बनर्जी ने भी लोगों के दिलों में अपनी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली जो छवि बनाई है वो उसे बिल्कुल बदलना नहीं चाहती। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी की सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और सादगी भरा जीवन जीने की वजह बचपन में झेली गई आर्थिक तंगी है। गौर हो कि जब ममता बनर्जी 9 साल की थी उनके पिता का निधन हो गया। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद ममता और उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन में शौक मौज के चलते जरूरत ने ले ली
तब से लेकर आज तक ममता बैनर्जी के पास जरूरत के हिसाब से ही कपड़े होते हैं। वो ज्यादा कपड़े इकट्ठा करने में यकीन नहीं करती और सादगी पूर्ण जिंदगी जीती हैं। ममता बैनर्जी एक रंगी बॉर्डर वाली जो सफेद साड़ियां पहनती हैं, वो बंगाल के ही धानेखाली इलाके की बनी हैं। धानेखाली इलाका कपड़े की बुनाई के लिए जाना जाता है। इन साड़ियों की खासियत ये है कि वहाँ के चिपचिपाहट भरे मौसम में भी ये साड़ियाँ हल्की और आरामदेह मानी जाती हैं।